आइए बच्चों, जानते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित में प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स को हिंदी में पूर्ववर्ती कहते हैं, सफिक्स को हिंदी में उत्तरवर्ती कहते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। प्रीफिक्स नंबर यानी पूर्ववर्ती अंक क्या होता है? तो किसी संख्या से यदि एक घटा दिया जाए तो एक घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीफिक्स होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ पे 8 है, तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीफिक्स नंबर यदि ज्ञात करना हो तो 8 में से एक घटा देंगे यानी कि 8-1, 8-1, इसमें से 8 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 7, जिसे कि 8 का प्रीफिक्स नंबर बोलेंगे। प्रीफिक्स नंबर को प्रीडेसर भी कहते हैं। और अब आइए देखते हैं सफिक्स नंबर क्या होता है। सफिक्स यानी उत्तरवर्ती संख्या, तो उत्तरवर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। और उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी संख्या में जब एक जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है यानी कि सफिक्स नंबर कहलाता है। जैसे कि 8 है, 8 की उत्तरवर्ती संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो 8 में एक जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 8 की उत्तरवर्ती संख्या 9 होगी। सफिक्स नंबर को सक्सेसर नंबर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं मैथमेटिक्स में यानी गणित में ज्ञात की जाती हैं।